ओडिशा में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में पीड़ितों की मदद करने ये शख्स सामने आया और ये शख्स कोई और नहीं खुद गौतम अडानी है। गौतम अडानी ने एक ट्वीट के जरिए बोला कि उन सभी बच्चों को उनका ग्रुप अडानी ग्रुप मुफ्त शिक्षा देगा जिन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट में अपने माता पिता गवा दिए। एक ट्वीट के जरिए अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने ये खबर दी और एक्सीडेंट के ऊपर अपना दुख भी जताया। और सिर्फ अडानी ही नहीं, इंडिया के मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी आगे आकर अपनी मदद ऑफर करी। उन्होंने भी ट्वीट का सहारा लिया ये कहने के लिए कि उन सभी बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स गवा दिए उनको वो अपने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल बोर्डिंग फैसिलिटी में मुफ्त शिक्षा देंगे। और ये लिस्ट यहीं तक नहीं रुकी, बीजेपी के सदस्य वरुण गांधी ने भी ट्विटर के जरिए बाकी सभी एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से गुजारिश की है कि वो अपनी सैलरी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा इन विक्टिम्स को आगे आकर दें। और अगर बात करें कॉम्पेंसेशन की तो खुद रेलवे ने मृत लोगों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर इंजरी वालों के लिए 2 लाख रुपए और माइनर इंजरीज कम इंजरी वालों के लिए 50,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया है। और ये कॉम्पेंसेशन इंडियन रेलवे 7 लोकेशंस पर दे रही है, सोरो, खड़गपुर, बालासोर, खांटापारा, भद्रक, कटक और भुवनेश्वर। रेलवेज ने ये तक कहा है कि कॉम्पेंसेशन उन लोगों को भी मिलेगा जो उस दिन बिना टिकट के इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे। आपका इस विषय में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।